दोस्तों आज मैं कुछ इस तरीके की वीडियो को बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल रूम में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इसे दबा देना है और 16 नाउ का रेशियो ले लेना है। उसके बाद मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, जिसका लेंथ 10 से 12 सेकंड आप जितने समय का वीडियो बनाना चाहते हैं उतने समय का कर सकते हैं। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हूँ, सिंपली आपको जाना है उनको डाउनलोड करके यहाँ पर लेके आना है। तो मैं सिंपली उस पहले लिंक को लेके आता हूँ। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और पहले PNG को लेके आना है। तो ये हमारा पहला PNG है। इसे कैंची के बगल में दाहिनी तरफ जो बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इसे इस पर क्लिक करना है और नीचे खींच के इस तरीके से बड़ा कर देना है लेयर के अनुसार। इसके बाद इसमें हमें टेक्स्ट को ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और आप किसी का भी नाम का अक्षर लिख सकते हैं। मैंने ए और आर लिखा था तो मैं वही लिख लेता हूँ, ए और ओके कर देना है और इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। यहाँ पर हम रख सकते हैं इसे इस प्रकार और इसके फॉन्ट को बदल लेना है। इसके लिए दाहिनी तरफ डबल ही दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और राइटिंग में जाना है और आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। मैंने ये वाला फॉन्ट लिया था, मैं इस तरीके से इसे कर लूँगा, इस तरीके से रहेगा। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है नीचे वाले लेयर पर और इसे ड्रैग करके इसे बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर बाईं तरफ आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है और डुप्लीकेट वाले लेयर पे क्लिक करना है और इसे एकदम नीचे लेके चले आना है। और इसमें आप दूसरा अक्षर लिख सकते हैं। इसके लिए दाहिनी तरफ देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करना है और आप अल्फ़ाबेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं आर लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लेंगे हम, इस प्रकार कुछ रहेगा। इसके बाद दोस्तों अब हमें इसमें कलर को ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस कलर वाला वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा कलर वाला वीडियो है। इसे सिंपली ये सामने का फालतू पार्ट है इसे कट कर लेंगे। यहाँ से हमारा कलर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक रखेंगे और दाहिनी तरफ कैंची में जाएंगे और इसे ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट कर देंगे और इसे खींच के इस तरीके से ड्रैग कर देंगे और फिर से इस पर क्लिक करेंगे और कैंची के बगल में जो बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन कर देना है। फिर से इस पर क्लिक करना है और दाहिनी तरफ नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ जाना है, आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसके कलर को फुल कर देना है और इसके ब्राइटनेस को इस तरीके से बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार देखने में लगेगा। इसके बाद दोस्तों अब हमें इसमें हार्ट वाले वीडियो को ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस हार्ट वाले वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा हार्ट वाला वीडियो है, इसमें हमें क्रोमा की कर देना है। इसके लिए दाहिनी तरफ जाना है, नीचे जाना है, आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली इनेबल कर देना है। और देखिए ये जो सर्कल है इसका कलर ग्रीन है, क्योंकि हमारे स्क्रीन का कलर ग्रीन है इसलिए ये ग्रीन रहना चाहिए। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इसे छोटा कर लेंगे और इसे हम यहाँ पे मिडिल में रख देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें इसमें चिड़िया वाले वीडियो को ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस चिड़िया वाले वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा चिड़िया वाला वीडियो है, इसे सिंपली दाहिनी तरफ जाना है, नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पर लेके आना है, इसे छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से ताकि देखने में अच्छा लगे। इस प्रकार हमें कुछ कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद एक और चिड़िया को हमें लेके आना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस चिड़िया वाले वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा चिड़िया वाला वीडियो है, इसे सिंपली दाहिनी तरफ जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है और रोटेट और मिररिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और ये पहला वाला जो ट्राइंगल है इसे क्लिक कर देना है तो कुछ इस तरीके से ये घूम जाएगा। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ जाना है, नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर से इस पर क्लिक करना है और इसे छोटा कर लेना है इस प्रकार और इसे मिडिल में रख देना है हमें कुछ इस प्रकार से ताकि देखने में अच्छा लगे, इस तरीके से कर देना है। और दाहिनी तरफ आपको ओवरऑल एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसे पल्स कर देना है ताकि ये ब्लिंक करता रहे इस तरीके से।
उसके बाद लास्ट दोस्तों हमें इसमें एक और बैकग्राउंड कट करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस बैकग्राउंड वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा बैकग्राउंड वाला वीडियो है, इसे सिंपली दाहिनी तरफ जाना है, नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। फिर से इस पर क्लिक करना है और इसे हमें सिंपली यहाँ पे इस तरीके से सजा लेना है। इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से सजा लेना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये वीडियो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों इसे सेव और शेयर करने के लिए बाईं तरफ जो शेयर का बटन है इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल के साइज को चुनकर सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार के वीडियो को बना सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।